मैंने पहले आपसे वादा किया हुआ था कि जो क्रिएटिव माइंड्स मेरी चैनल है तो उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। जो मेरा पहले वीडियो था दैट वाज एन इंट्रोडक्शन। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे एग्ज़ाम में सो दैट यू क्वालिफाई एग्ज़ाम। मेरा जो मेन पर्पज़ है दैट्स यू शुड क्वालिफाई द एग्ज़ाम। मैं चेक कर रहा था JKSSB की जो मेन वेबसाइट है। आई वॉज चेकिंग देट अभी तक कोई भी वहाँ पे मैंने नहीं देखा सिलेबस अपलोड हुआ था। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे वेबसाइट्स चेक किए जहाँ पे मैंने देखा कि उन लोगों ने जो बहुत सारे चैनल्स फाइनेंस सब इंस्पेक्ट का वीडियो पढ़ा जो सिलेबस है सॉरी वो पढ़ा रही थी और बहुत सारे जो वीडियो चैनल्स वाले वो दे आर टीचिंग द प्रीवियस सब इंस्पेक्टर जो उनका सिलेबस था वो पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी कोई भी सिलेबस JKSSB की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो अभी आज आज जो मेरा प्लान था वो था सिलेबस से डिस्कस करना क्योंकि सिलेबस आया नहीं है। अब मैंने जो वीडियो अपलोड करना है दैट्स अबाउट द स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है जो पहला टिप आपको मैं एग्जाम के लिए देने जा रहा हूँ जो पहली स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए दैट इज नो योर एग्जाम। नो योर एग्जाम में व्हाट आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग दैट्स फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपको आपके जो दो सिलेबस मैंने लाए पहला जो पुराना सब इंस्पेक्टर था जो ये हमने एग्जाम दिया था दिस इज दैट सिलेबस। और दूसरा जो ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए ये पढ़ा रहे ये वो सिलेबस है। दोनों आप डाउनलोड कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से। नीचे लिंक दी हुई होगी PDF अपलोड होगा और आप वो भी डाउनलोड कीजिए। तो एग्ज़ाम में आपको क्या जानना है। देखिए एग्ज़ाम जो आपका है जो मैंने पहले भी बताई है और इट्स ए टू टायर एग्ज़ाम। पहले ये थ्री टायर एग्ज़ाम था जिसमें आपका फिजिकल पहले था उसके बाद आपका रिटर्न था बाद में इंटरव्यू था। हियर इट्स रिटर्न आपका पहले। सो आपको प्रिपेयर करना है पहले मेंटली आपने आपको किस एग्ज़ाम के लिए रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने ये दोनों सिलेबस देखे और बहुत सारे बाकी सिलेबस भी मैंने देखे उन सब की जो मैंने समरी निकाली आपको क्या करना चाहिए। अभी चूंकि सिलेबस आया नहीं है यू हैव टू स्टडी फॉर द रिटर्न एग्ज़ाम। और आप जो हर कोई एग्ज़ाम देखे सात सब्जेक्ट्स वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है जो आप हर किसी एग्ज़ाम में देखोगे। वो सात सब्जेक्ट्स क्या क्या है दैट्स आपकी हिस्ट्री आती है आपकी पॉलिटी आती है आपकी ज्योग्राफी आती है इकोनॉमी आती है एनवायरनमेंट आता है साइंस आता है और आपका करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और मे भी आपके एग्जाम में ये लोग रीजनिंग भी पूछेंगे आपसे मेंटल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं। दोनों सिलेबस को देख के मैं ये बता रहा हूँ आपको आप आज से ही स्टार्ट कीजिए। और कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ेंगे देखो इसमें दो डिफरेंसेस है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो है जिन्होंने अब तक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं है और आप में बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। जो जो आप में नए हैं उनके लिए मैं कहता हूँ दे शुड स्टार्ट बेसिक्स। उन लोगों को सबसे पहले अपने अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर ये करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जियोग्राफी इंडिया इसमें दो जियोग्राफियाँ आती है वन इज़ द वर्ल्ड जियोग्राफी सेकेंड इज़ द इंडियन जियोग्राफी। अगर आपने सीधा इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट ये कर दी और आप ये पढ़ रहे माउंटेन्स के बारे में आप रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक टॉपिक है आपकी जियोग्राफी दैट इज़ अ रॉक्स आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो हिमालयन माउंटेन है ये वहाँ आप देखिए रॉक्स। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो आप अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी नहीं ये पढ़ी है तो आपको समझना होगा पहले ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ये कौन सी टाइप ऑफ रॉक्स होती है इनकी एग्जाम्पल क्या है इग्निशियस रॉक्स कौन है कौन कौन सी टाइप आता है इग्निशियस रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स और रॉक साइकिल वगैरह ये सब आपको समझना होगा। फिर जाके आपको समझ आएगा जो आपका मार्बल आता है जो आपकी बहुत सारी वैरायटीज रॉक्स की कौन के ये किस कैटेगरी में फॉल हो जाता है। आपको अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है देन यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। इन अपकमिंग डेज मैं ये बहुत सारे दोस्तों से भी बात ये कर ली है वो भी उनमें से बहुत सारे PhD कर रहे हैं उनमें से कुछ
दोस्तों ने सिविल सर्विस एग्जाम, पंचायत अकाउंटेंट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, उनसे भी मैंने बात की, दे आर अपलोडिंग द वीडियोज। उसमें से जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इन अपकमिंग डेज, उनमें से सबसे पहले आपकी होगी कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। क्या आपको ज्योग्राफी पहले पढ़नी चाहिए, या आपको हिस्ट्री पहले पढ़नी चाहिए, या आपको इकोनॉमी पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट आपको पहले, विच सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हाउ टू अप्रोच ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री, आप जाएंगे ऐसे उठाएंगे कोई बुक और हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम में कुछ कुछ भी उसमें नहीं होगा, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज बीइंग सेड, देयर इज अ कोड, इफ यू फेल टू प्लान यू फेल टू क्वालिफाई एग्जाम। अगर सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको प्लान कैसे करना है एग्जाम, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। सो आप सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा, जो मैंने 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको बताए, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाद में हम देखेंगे कि अगर आपका स्पेसिफिक सिलेबस था, जैसे आपका यहाँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, इट्स स्पेसिफिक सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूज़ पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड, यही पढ़ना है आपको, आपको दिया हुआ है वर्ल्ड फेमस अवार्ड, इट इज स्पेसिफिक, यही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, इट इज जनरल सिलेबस, यहाँ पे आपका दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में आपको सारा पढ़ना है, आपको लानी है लक्ष्मीकांत फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़नी है। इन अपकमिंग डेज हम देखेंगे कौन सा सिलेबस आता है, क्या ये वाला सिलेबस आएगा या कोई नया सिलेबस फ्रेम होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, आपको आज से ही कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी मैं कल सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने नीट क्वालिफाई किया था, आई थिंक 720 आउट ऑफ 720, वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं हर दिन 4 घंटे ये पढ़ता था, सिर्फ 4 घंटे। रिमेंबर, मैंने बिगनिंग से, मैंने 10th पास किया, 10th के बाद से ही मैंने हर दिन चार घंटे कभी भी स्किप नहीं करता था। सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप ये समझते हैं कि जब हमारी डेट शीट आएगी, हमारा ये एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, देन रिमेंबर इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट स्टडी। आज से ही आपको पढ़ना है, आज से ही आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डिसिप्लिन रहना है। आज से ही आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे अपने हिसाब से, अगर कोई आप में नया है, ही हैज़ नेवर एवर स्टडीड द जनरल स्टडीज, ही शुड स्टडी फॉर 6 आवर्स 7, वो आपकी चॉइस पे, आपकी मेंटल एबिलिटी पे है। सो कंसिस्टेंसी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेंटेन देयर कंसिस्टेंसी, विदाउट कंसिस्टेंसी इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी योर एग्जाम। और जो मैंने पहले भी कहा आपको, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ साथ यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग थिंग्स। आपने पॉलिटी स्टार्ट ये कर ली, आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटी का पढ़ लिया पहला टॉपिक जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ा, आपने प्रीएम्बल या पढ़ा, आपने इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टेरिटरीज वगैरह, आपने सिटीजनशिप भी पढ़ी, आपने फंडामेंटल या राइट्स पढ़ी, ड्यूटीज पढ़ी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ी, अगर आपने एक बार ये पढ़ा और आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि बस भाई मैंने पढ़ लिया, देन रिमेंबर यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, यू हैव टू रिपीट इट, यू हैव टू रिवाइज इट। रिवाइज करने के साथ साथ यू हैव टू मेक नोट्स, आप साथ साथ नोट्स या बनाइए, नोट्स में थोड़ी स्पेस भी या रखो, करंट अफेयर साथ साथ ही पढ़ो, आपने फंडामेंटल या राइट्स पढ़ो पढ़ा, फिर देखिए कुछ नया तो नहीं है। फॉर एग्जांपल 1-2 साल पहले राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो पढ़ना है आपको, देखना है कोई नई अमेंडमेंट तो नहीं आई है। ऐसे ही आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आपको देखना है इकोनॉमी में फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का GDP क्या था, जो हमारे 2021-2022 इसका GDP क्या है, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस ये पढ़नी है वगैरह सब कुछ, यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। लेकिन आप यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टडी द इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे GDP क्या है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ना GDP है क्या, फॉर दैट यू हैव टू क्लियर योर बेसिक ये कंसेप्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के लिए, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। देखो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ कहेंगे यार
ये फजूल पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, कुछ आपको कहेंगे यार आपको पैसे देने होंगे, कुछ कहेंगे करप्शन है, देखना लोग आपको सिर्फ डिस्करेज ये करेंगे, दे विल ट्राई टू डाइवर्ट यू फ्रॉम योर पाथ। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई क्या पढ़ रहे हो, यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, और कुछ तो कुछ और ये बातें सुनाएंगे, आप लोग भी डिस्करेज हो जाएंगे, कहोगे यार इसमें पैसे भरने, आई एम फ्रॉम द पुअर फैमिली, आई कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। रिमेंबर देर इज नथिंग लाइक दैट। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो फेलियर होते हैं ना, फेलियर जो नहीं पढ़ते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर कंसिस्टेंसी, वो एग्जाम में 2-4 दिन या पढ़ते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं, फिर वो जाके मार्केट में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहते भाई ये एग्ज़ाम यार क्या ये एग्ज़ाम था, इसने इन लोगों ने पैसे दिए, उसने पैसे दिए, उसने मैंने देखा उसने पैसे दिए, फिर इन लोगों का यही बहाना होता है, वो आपके पास आएंगे आज से ही कि भाई पैसे जाते, मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, तू कैसे हो जाएगा, देखो जो वो हुआ इसने 20 लाख दिए, उसने 30 लाख, ये सब का सब झूठ है। ये सब लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके मेन बात से, बट यू डोंट हैव टू डिरेल योरसेल्फ। आपको डिस्करेज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम एंड यू विल क्वालिफाई सर्टनली दिस एग्ज़ाम। इट्स अ वेरी, ये कोई डिफिकल्ट एग्ज़ाम है ही नहीं, मैं कहता हूँ आपको बहुत ईजी है, लेकिन प्रोवाइडेड आप आज से डेडिकेटेड मैनर में कंसिस्टेंसी से पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी किताब उठा ले। इन अपकमिंग डेज में आपको ये भी बताऊंगा पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना है, आप अंडरस्टैंड ये कैसे कर सकते हो पॉलिटी को, और मैं आपको पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सब के लेक्चर आपको आएंगे, और बहुत अच्छे, हर एक लेक्चर के साथ साथ आपके नोट्स होंगे, आपका जो बाकी सिस्टम है वो भी आएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कॉल करके ये बताया कि भाई आप हमें ये बताएं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ये ज्वाइन करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आप तक डिसाइड है, अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, आप नहीं करना चाहते देन इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट। सो अगर आपने पहले बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इट्स इम्पॉर्टेंट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्वालिफाई, अगर आपने अब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, इट्स योर फर्स्ट एग्ज़ाम और आपको लग रहा है कि इंटरनेट से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं। और आई विल मेक एन एनालिसिस, आई विल ट्राई टू नो अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं इन अपकमिंग वीडियोस आपको ये भी ये बताऊंगा कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन रिमेंबर, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाने से पहले भी आपको एक बार पढ़ना होगा, जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट स्टडीड, सेल्फ स्टडी जिन लोगों ने नहीं की होती है, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कोई, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो आज के लिए यहाँ तक ही ये वीडियो है, दिस वॉज द इंफॉर्मेशन विच आई प्रोवाइडेड यू, जो मेरे ये आने वाली वीडियो है सेकेंड वीडियो, उसमें से मैं डिस्कस करूँगा आप के लिए सैलरी कितनी है इस पोस्ट में, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ी बात होगी, कैसे आप फील्ड में आओगे, क्या पढ़ना पड़ता है, हाउ इट चेंजेस योर लाइफ फ्रॉम सिविल लाइफ से लेके पुलिस लाइफ तक, जितनी भी चेंजेस आ जाती है वो सब मैं डिस्कस करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।